वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। वीकेंड स्पेशल वीडियो है एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी एंड फिन निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि ट्यूसडे हमारी मार्केट क्लोज्ड है तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी मंडे ही है, तो इसलिए फिन निफ्टी का भी एनालिसिस जानेंगे और निफ्टी का डिटेल एनालिसिस जानने वाले इस वीडियो में। नेक्स्ट पूरे वीक के लिए भी एंड साथ साथ मंडे स्पेसिफिक लेवल्स और ट्रेड्स की भी बात करेंगे, और बैंक निफ्टी की वीडियो सेपरेट आपको कल मिल जाएगी। लास्ट वीक देखोगे गजब की मार्केट देखने को मिली, मार्केट ने फिर से न्यू लाइफटाइम हाई लेवल्स को टेस्ट किया फ्राइडे भी, और उससे पहले भी जो हमारा पोजिशनल टारगेट था, जो हम कंटिन्यूस आपको बता रहे थे बुलिश मार्केट है, वो फाइनली हमारे सारे टारगेट्स आ चुके हैं। और मार्केट ने एक दिन डराया भी था आपको, एक दिन सडनली बहुत ज़्यादा फॉल हमें स्मॉल और मिड कैप सेक्टर में देखने को मिला था, लेकिन तब भी हमने सिंपली आपको कहा था कि नहीं, आपको डरना नहीं है, अभी भी मार्केट बुलिश है, अभी भी अपर लेवल्स बाकी है, अभी भी टारगेट्स बाकी है। और आपने पूरा वीक देखा मार्केट ने क्या गजब की रैली दिखाई है, जब बिल्कुल लाइफ टाइम टॉप पे है मार्केट, तो इससे ज़्यादा बुलिश क्या मार्केट हो सकती है। होप आपने व्यू पॉइंट को यूज़ करके अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। डिटेल में सारी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि डेली आप ऐसे वीडियो मिस ना करें जहाँ आपको मैजिकल एक सेटअप मिलता है और लेवल्स मिलते हैं जिन पे मार्केट परफेक्टली वर्क करती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। पहले पोजिशनली देखिए क्या होता है मार्केट में और क्या हमने डिस्कस किया था। आपको पहले याद होगा 19,500 हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। जब ये डाउनफॉल आ रहा था तो मैंने आपको बताया था इसके अबव एक बड़ी रैली आएगी मार्केट में, तो हमारा पहला टारगेट था 19,830 इस ट्रेंड लाइन तक, और इसका भी ब्रेकआउट देंगे तो हमारा फाइनल टारगेट जो हमने बहुत पहले से आपको बताया हुआ है 20,150, ये हमारा फाइनल टारगेट था। बहुत टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ, जब सब लोग बेरिश थे लोअर लेवल्स पे भी 19,000 के आसपास भी, 18,800 18,500 के आसपास हर जगह मैं आपको बता रहा था बुलिश मार्केट है, बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है, बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। और आपके सामने फाइनली इस वीक हमने हमारे सारे टारगेट्स अचीव कर लिए। ये हमारा फाइनल टारगेट था जो मैंने आपको बताया था 20,150 का। और इस वीक की भी बात करें तो देखो, इस दिन ये बहुत बड़ी रेड कैंडल दिख रही है। इस दिन हर जगह आपको नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिल रही होगी कि ये सब ट्रैप है, ये जो बुल रन आया था ये बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा, एफआई सेल कर देंगे, बहुत सारी कहानियाँ। मैंने तब भी उस दिन भी आपको बताया था ये डिप्स आपको अभी भी बाय करने, हम अभी भी क्लियर कट बुलिश है मार्केट में। दो रीजन्स थे, पहली चीज़ हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुके हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है, मार्केट बुलिश है। सेकेंडली, हमारा टारगेट तो अभी तक आया ही नहीं है, जब तक रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं होगी, टारगेट टेस्ट नहीं होगा, वहाँ से फॉल और डिप हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्लियरली आपको बुलिश मार्केट बताई थी और वहाँ से भी हमने फाइनली ये टारगेट अचीव किया और गजब की मार्केट देखने को मिली है। तो ये बात हुई अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था और ये टारगेट मैंने कैसे निकाला था। ये हमने निकाला था फिबोनाची के थ्रू। अब फिबोनाची से जहाँ करंटली मार्केट है ना, यहाँ एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है फिबोनाची के थ्रू। मैं ट्यूसडे आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा क्योंकि ट्यूसडे मार्केट्स ऑफ है, तो ट्यूसडे स्पेसिफिकली आपको एक वीडियो मिलेगी कि फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उससे लेवल्स फाइंड आउट होते हैं और कैसे आप बड़े टारगेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, उससे कैसे वो वर्क करता है, सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ बात करेंगे। अभी करंटली जहाँ मार्केट है फिबोनाची वहाँ बहुत मेजर रेजिस्टेंस बता रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, उसी से हमने 20,150 टारगेट निकाला था। लेकिन अगर आप में से किसी को भी फिबोनाची यूज़ करना आता है और उसे मार्क करना आता है ना चार्ट पे, जो कोविड का डाउनफॉल था, जो कोविड के टाइम क्रैश आया था, उसके हाई और लो को अगर आप कनेक्ट करते हो तो वहाँ से भी करंटली जहाँ पे मार्केट है वहाँ एक मेजर रेजिस्टेंस बनती है मार्केट में। ये मैं डिटेल में वहाँ शेयर करूँगा, जो हम फिबोनाची वीडियो में लर्न करेंगे, वहाँ ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं आपको करंटली क्या बता रहा हूँ, क्रक्स कि यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस अभी जहाँ मार्केट है। अभी तक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बुलिश था, लेकिन अब नहीं हूँ। 20,150 के अबव अभी मैं आपको कोई लेवल भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को एक बार यहाँ स्ट्रगल ज़रूर करना चाहिए। यहाँ से एक बार एटलीस्ट हमें डिप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पहली बार जब कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट होता है, वो वर्क करता है, वहाँ मार्केट स्ट्रगल करती है, तो वही अभी मुझे एक्सपेक्टेड है। तो नेक्स्ट वीक क्या सेटअप फॉलो करना है, ध्यान रखिए मुझे डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। पहली बार इस पूरे बुल रन में मैं डाउनफॉल की बात कर रहा हूँ, डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। डाउनफॉल में ऐसा नहीं है कि फिर से बहुत बड़ा क्रैश, डाउनफॉल में हम 19,900 तक फॉल कर सकते हैं जहां ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस मंडे ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है, ये रेजिस्टेंस अपना वर्क करती हुई दिखेगी तो फिर से हम 20,150 के बिलो आ जाएंगे। तो ये मेजर रेजिस्टेंस है मेरे लिए नेक्स्ट वीक और ये मेजर सपोर्ट है। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये 250 पॉइंट्स की रेंज है मेरे लिए मार्केट में और दोनों लेवल से रिवर्सल भी प्ले हो सकते हैं। पोजिशनल आउटलुक बिल्कुल क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है। अब इंट्राडे फ्राइडे क्या हुआ और मंडे क्या करना है वो डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी में। चलिए, इंट्राडे वैसे बहुत ज़्यादा ट्रेड्स थे नहीं, इनफैक्ट कोई भी ट्रेड्स नहीं थे क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, 20,150 के अबव हम मार्केट को ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ना सिर्फ इंट्राडे लेवल है, एक पोजिशनल लेवल भी है और बहुत ज़्यादा इसके अबव जाना मार्केट के लिए मुश्किल होगा और वही होते हुए भी देखा। आप मोस्टली देखोगे मार्केट रेंज में थी, यहाँ थोड़े बहुत मूव भी आए हैं, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे आया है और फ्राइडे कोई निफ्टी की एक्सपायरी तो थी नहीं, पूरा 1 वीक बाकी था एक्सपायरी में तो प्रीमियम्स भी बहुत हाई थे। एक्सपायरी वाले दिन आपको 40-50 पॉइंट्स का मूव मिल जाए आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन फ्राइडे ऑप्शन के प्राइस बहुत स्लो मूव करते हैं। अगर आप एक्सपायरी से कंपेयर करोगे यहाँ पे 10-15% का अपमूव आपको कॉल्स में देखने को मिला होगा लेकिन कोई बहुत बड़ा अपमूव नहीं था। काइंड ऑफ प्रीमियम डीके भी हमें देखने को मिला तो ऑलमोस्ट हमारे लिए ट्रेड्स नहीं थे। सिर्फ अगर देखें एक बार यहाँ मार्केट ने लेवल को लोअर साइड ब्रेक किया था लेकिन ये ब्रेकडाउन भी फेल हो जाता है जैसे ही ये कैंडल लेवल के अबव क्लोज हो जाती है। मैंने बहुत क्लियरली, जिन लोगों को नहीं पता है दोबारा बता देता हूँ, पहले भी मैंने बहुत क्लियरली डिस्कस किया है कि अगर किसी लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड बनाते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे ट्रेड बना रहे हो 20,150 लोअर साइड ब्रेक हो तो आपको पुट्स में एंट्री करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेड है, ब्रेकडाउन कैंडल कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है, ट्रेड आपको मिल गया। अगर कोई भी कैंडल आपके अपोजिट क्लोज हो जाती है जो लेवल को ब्रेक कर दे दोबारा तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ पे जैसे ही ये ग्रीन कैंडल लेवल के अबव गई थी अगर आपने यहाँ पुट्स में एंट्री की आपको सिंपली एग्जिट हो जाना है ट्रेड से। ये मैंने पहले भी बहुत बार समझाया और सिंपल रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं और ऐसे आपके एसएल्स बहुत ही छोटे होंगे। तो ये फ्राइडे की मार्केट थी, रेंज बाउंड डे, 20,150 के ही ऑलमोस्ट पूरा दिन अबव थी लेकिन डे एंड में एक सडन सेल ऑफ भी दिख रहा है। अब क्लोजिंग यहाँ लोअर दिख रही है, एक्चुअल क्लोजिंग 20,192 के आसपास है, ये रियल क्लोजिंग थोड़ा हाइयर ही है। अब अगर मंडे के लिए सेटअप और ट्रेड्स की बात करें तो देखो अपसाइड तो कोई लेवल्स है नहीं, जैसे मैंने कहा कि जब बनेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, अभी कोई लेवल्स नहीं है। सपोर्ट 20,150, उसके बाद 20,110, उसके बाद 20,050 एंड 20,000, ये सारे लोअर साइड लेवल्स है। अब मंडे ऑलरेडी ये गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है और मैंने तो आपको क्लियरली पहले भी बताया था कि 20,150 के अबव सस्टेन करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड है मंडे गैप डाउन ओपनिंग होगी तो उसमें हम फिर से 20,150 के बिलो आ जाएंगे। अगर बिलो आ जाते हैं तो ये फिर से मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ट्रेड्स कैसे बनेंगे वो समझिए। अगर एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है ना ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की तो हम हो सकता है 20,110 के आसपास ओपन हो। ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, 20,110 अगर लोअर साइड ब्रेक होगा तो आपको पुट्स में एंट्री करनी है इंट्राडे, ठीक है। अगर इसी के आसपास ओपनिंग होती है गैप डाउन ओपनिंग जो अभी दिख रही है फिर आपका टारगेट होगा 20,050 और 20,000। कॉल में एंट्री कहाँ से बन सकती है, देखो अपसाइड तो मैंने आपको क्लियरली कहा है 20,150 के अबव कोई ट्रेड्स है नहीं तो कॉल में एंट्री अपसाइड की तो कोई नहीं है, लेकिन एक जगह हम डिप को ज़रूर बाय कर सकते हैं। अगर मंडे कोई ज़्यादा ही बड़ा फॉल आ गया और हम 20,000 तक आ गए तो यहाँ हम डिप को ज़रूर बाय कर सकते हैं और यहाँ से कॉल्स में एंट्री कर सकते हैं, फिर से ये अपसाइड लेवल्स हमारे टारगेट होंगे। तो दो ट्रेड्स हैं, 20,110 के बिलो मार्केट नेगेटिव पुट्स में एंट्री और 20,000 पे अगर मार्केट सपोर्ट का साइन दे तो यहाँ से कॉल्स में एंट्री और आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। ये सिंपल क्लियर मंडे के लिए निफ्टी का सेटअप है गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो अभी तो दिख रही है। और 20,150 के अबव अगर फिर से मंडे मार्केट जाती है तो फिर से सेम चीज़ कहूँगा, कोई ट्रेड्स आपको नहीं करने हैं। ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है और क्यों ये चीज़ें कह रहा हूँ ये आपको ट्यूसडे वाली वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी क्योंकि इसके अबव जाना अभी मार्केट के लिए मुश्किल होने वाला है। मार्केट को यहाँ पर स्ट्रगल करना चाहिए, ये एक मेजर लेवल है। ये निफ्टी का सेटअप है चार्ट्स पे। ऑप्शन चेन हमें इस सेटअप के बारे में क्या बता रही है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्या वो इस सेटअप को कंफर्म करती है या कुछ और बता रही है। आप देखिए इमीडिएट 20,200 के आसपास ही क्लोजिंग आई है, यहीं पे रेजिस्टेंस भी है। 1,31,000 हुआ है कॉल साइड, पुट साइड 91,000 तो ऑलमोस्ट 40,000 हुआ का गैप मिल जाता है। अब ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है लेकिन वीकेंड्स पर ज़्यादा हुआ बिल्डअप नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा पोजीशंस कैरी नहीं होती है, इसीलिए डिसेंट हुआ है ये। और इमीडिएट 20,200 मंडे एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, सपोर्ट की बात करूँ 20,100 पे अभी सपोर्ट है, 1,39,000 हुआ है पुट साइड, कॉल साइड 52,000 और हो सकता है हम इसी लेवल के आसपास ओपन हो, सपोर्ट के आसपास। इसीलिए मैंने आपको कहा है 20,110 के लोअर साइड ब्रेकडाउन पे आपको पुट्स में एंट्री करनी है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट हम 20,100 के सपोर्ट को भी ब्रेक कर देंगे। तो ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो उसके बाद फर्दर फॉल एक्सपेक्टेड है और लोअर साइड लेवल्स हैं ही आपके पास जो आपके टारगेट्स होंगे। तो ऑप्शन चेन भी ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप बता रही है, सपोर्ट ब्रेक होगा तो फॉल आएगा और अपसाइड अभी मेजर रेजिस्टेंस है 20,150 पे भी है, 20,200 लेवल पे भी है। तो बहुत लिमिटेड अपसाइड बची है अभी तक और आपको बहुत क्लियरली पता है मुझसे ज़्यादा बुलिश इस पूरी मार्केट में अभी तक कोई नहीं था। अभी तक हमने कभी भी डिस्कस नहीं किया कि कोई मेजर फॉल आने वाला है और पोर्टफोलियो तो मैंने आपसे बार बार कहा कि सेल करना ही नहीं है। अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि सेल करो, थोड़ा बहुत बस डिप एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को थोड़ा यहाँ स्ट्रगल करना चाहिए। अब उस स्ट्रगल में ना अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको प्रीमियम का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए अभी तक मैं आपको हमेशा कह रहा था कॉल्स में एंट्री कर लो, लेकिन अब आपको कॉल्स की एंट्री को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि लिमिटेड अपसाइड है। होप आपको सारी चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिख रही है और क्लैरिटी मिल रही है कि क्यों मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगी। ठीक है, और ट्यूसडे की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मिस बिल्कुल मत करना, उसके लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। सो ये कंप्लीट निफ्टी का सेटअप था, लेकिन मंडे फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। फिन निफ्टी का एनालिसिस करते हैं हम ट्यूजडे के लिए, लेकिन इस बार ट्यूजडे मार्केट ऑफ है हमारी तो मंडे एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। तो अब कल के लिए फिन निफ्टी का सेटअप देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ न्यू लेवल्स भी दिखेंगे तो उन्हें मार्क जरूर कर ले। इमीडिएट रेजिस्टेंस 20,555, इमीडिएट सपोर्ट 20,470, उसके बाद 20,400, उसके बाद 20,335, उसके बाद 20,300 लेवल। ये सारे सपोर्ट लेवल्स हैं और एक रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि ज़्यादा अपसाइड दिखती नहीं है। अगर निफ्टी में डिप एक्सपेक्टेड है तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी स्ट्रगल करेंगे और ऑलमोस्ट हमारा बैंक निफ्टी का भी पोजिशनल टारगेट आ चुका है जो मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट उसके आसपास आ चुके हैं हम। तो वहाँ भी बहुत लिमिटेड अपसाइड बची है, इसीलिए ज़्यादा अपसाइड लेवल्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, डाउन साइड लेवल्स पर ही आपको मोस्टली ट्रेड मिलेंगे फिन निफ्टी में भी मंडे के लिए। अब ट्रेड समझिए, देखो गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। गैप डाउन ओपनिंग में इमीडिएट 20,470 को ब्रेक करते हैं इंट्राडे तो भी पुट्स में एंट्री है, 20,400 आपका टारगेट होगा। बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखती है और 20,400 के आसपास ओपन होते हैं, फिर इस लेवल के ब्रेकडाउन का आपको वेट करना है तब पुट्स में एंट्री करनी है। ठीक है, तो जहां पे ओपनिंग होगी ना उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो आपको देखना है, वो ब्रेक होगा तब आपको पुट्स में एंट्री करनी है। यहाँ मिड में ओपन होते हैं तो 20,400 के ब्रेक होने के बाद पुट्स में एंट्री और फिर टारगेट 20,335 एंड 20,300 नेक्स्ट लेवल होगा। ये सिंपल क्लियर फिन निफ्टी का सेटअप है। और कॉल का ट्रेड यहाँ भी सेम रिवर्सल वाला ही ट्रेड बन सकता है। कॉल में अगर 20,300 मार्केट आए, इस लेवल को होल्ड करे तो यहाँ से आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं और कॉल्स में एंट्री कर सकते हैं। टारगेट ये अपसाइड लेवल्स फिर आपके टारगेट्स होंगे। तो कॉल में सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड है और पुट में ट्रेंडिंग ट्रेड है। ये सिंपल क्लियर सेटअप है, अपसाइड कोई कॉल का ट्रेड नहीं है। कॉल के ट्रेड के लिए हमें एक बड़ा फॉल चाहिए फिर आपको कॉल में एंट्री मिल सकती है, और पुट्स का तो आपको पता ही है कोई भी लेवल लोअर साइड ब्रेक होगा तो आप पुट्स में एंट्री कर सकते हैं। सिंपल क्लियर सेटअप। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कुछ भी शेयर करना चाहते हैं कमेंट्स में कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कुछ क्वेरीज है, कुछ स्पेसिफिक आप पूछना चाहते हैं कोई स्टॉक्स के बारे में या कुछ, तो वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की वीडियो के साथ मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूंगा तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।